महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां इंदापुर तालुका के कदवनवाड़ी इलाके में एक ट्रेनी एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। विमान में खराबी आने के बाद उसकी क्रैश लैंडिंग कराई गई। इस घटना में विमान की महिला पायलट घायल हो गई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा सुबह 11:30 पर हुआ है। बताया जा रहा है कि विमान की महिला पायलट ट्रेनिंग के लिए एक छोटी उड़ान पर थी, तभी विमान में अचानक खराबी देखी गई, जिसके बाद इंदापुर तालुका के कदवनवाड़ी में विमान की इमरजेंसी क्रैश लैंडिंग करानी पड़ी। दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान का वीडियो फुटेज भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। विमान के दो टुकड़े हो चुके हैं। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विमान 2-सीटर था, जिसकी एक खेत में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस ट्रेनी एयरक्राफ्ट को 22 साल की भाविका राठौर उड़ा रही थी। तकनीकी खराबी के बाद उन्होंने इसे खेत में लैंड कराया। इस दौरान उन्हें भी चोटें आई हैं। इसके बाद उन्हें नवजीवन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विमान कार्वर एविएशन कंपनी का है। घटना के बाद कंपनी का स्टाफ भी मौके पर पहुंच गया है। कंपनी ने आंतरिक जांच शुरू कर दी है।